राजा के हाथ देवताओं के सामने जुड़े, मित्र राजा को आलिंगन दे और शत्रु को दंड दे, उसी में उनकी शोभा है महाराज सुबल। आपका प्रताप देवताओं से कम नहीं है गंगापुत्र। पर मैं राजा नहीं, केवल हस्तिनापुर का राज सेवक। मेरी श्रेणी आपसे ऊपर नहीं हो सकती महाराज। राजा न होते हुए भी आपका सामर्थ्य किसी सम्राट से भी अधिक है गंगापुत्र। सामर्थ्य का प्रश्न तो आक्रमण के समय होता है, और मैं तो यहाँ अपने मित्र के घर आया हूँ मित्रता और गहरी करने। और आप जैसे मित्र का अतिथि और सत्कार करना गांधार का सौभाग्य है गंगापुत्र। गंगापुत्र भीष्मके, गंगापुत्र भीष्मके, गंगापुत्र भीष्मके, गंगापुत्र भीष्मके, गंगापुत्र भीष्मके। भाभी, भाभी भीष्म तो मैत्री करने पधारे। मैंने सुना है कुमारी, गंधार के सर से एक विपता टल गई। आपकी क्या मान्यता है भाभी? कहीं युद्ध के आशय को छुपाने हेतु मैत्री का ढोंग तो नहीं कर रहे होंगे ना? सुना है भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते कुमारी। सुना है कि उनसे बलवान समग्र आर्यव्रत में अन्य कोई नहीं। हाँ सुखदा, परशुराम के सामने भी वे पराजित नहीं हुए थे। बलवान के मुख पर सदा ही शांति और सौम्यता बनी होती है भाभी। चलो देखते हैं, ये परीक्षा भी हो जाएगी कि वे वास्तव में बलवान हैं या सारी केवल दंत कथाएं हैं।